रत्नाकर भाई, जो महाविकास आघाड़ी है उसने अधिकृत तौर पर पवार से अपील की थी कि आप उस मंच पर नहीं जाएं, ठीक, उससे संदेश गलत जाएगा। कांग्रेस ने भी घोषणा की थी कि हमारा उस मंच से ताल्लुक नहीं रहेगा जिस मंच पर प्रधानमंत्री को आना था पुणे में। पवार साहब तो खैर खुद ही मालिक मुख्तार है तो वो तो गए गए, शिंदे भी छोटे नेता नहीं, गृहमंत्री रह लिए देश के, वो भी गए नहीं। जी देश के प्रधानमंत्री का जब सम्मान होता है, कोई राजकीय कार्यक्रम होता है, तो निश्चित रूप से जो राज्य के बड़े नेता होते हैं, सीनियर जो, उनको बुलाया जाता है और इस तरह के कार्यक्रम में शिरकत लेते हैं। इसको राजनीतिक कयास लगाना कि अगर वहां पे नहीं, इसलिए एक मिनट आप बोलेगा, इसलिए कयास नहीं लगता कहते, चूंकि ये नहीं जाने की अपील की गई थी सार्वजनिक, इसलिए सवाल खड़ा। वही मैं पूरा इसमें आप राजनीतिक कयास अपने हिसाब से हर व्यक्ति लगा सकता है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी बड़ी निपुण है भ्रांतियां फैलाने में। अभी हमारी महाविकास आघाड़ी की बैठक हुई, उसका तो प्रतिनिधित्व कर ही रहे थे ना पवार साहब, कर रहे थे, तीनों दल के नेता, सीनियर नेता बैठ के। अभी हाल ही में मीटिंग हुआ है और हमने एक स्ट्रेटेजी पे काम किया है उस पर। तो ये सारा मीटिंग और राजकीय सम्मान में इस तरह के बड़े नेताओं का आना जाना है, को अगर हम राजनीति के उद्देश्य से जोड़कर देखेंगे कि हाथ मिलाए तो हमारे साथ आ गए, अगर शिंदे साहब वहां है तो वो बागी हो गए, क्या ये सब प्यास लगाना कहीं बेमानी है, मैं यही कहूंगा। ठीक है, मैं यही सवाल दीपक रंजन, एक सेकंड, ये बार बार हर चीज को गोल गोल मत करो, कयास कोई नहीं लगाता, किसके पास समय है कि कयास लगाए पवार को लेके। आप लोगों ने खुद कयास के लिए खिड़की खोली, आपने अपील किया, आज जो आप उदार बन रहे हो गौतम बुद्ध और कह रहे हो बड़ा समारोह होता है, राजकीय समारोह होता है, देश के प्रधानमंत्री है, नमस्ते नमस्ते होती है, चाय नाश्ता, आज जो आप ये जो बोध वृक्ष का ज्ञान दे रहे हैं, ये अपील करते समय आपको ज्ञान नहीं था कि प्रधानमंत्री हैं, लोकमान तिलक सबके हैं, ये तब ज्ञान नहीं था, अब भाषण दे रहे हो। कांग्रेस ने क्यों कहा था हमारी, हम उस कार्यक्रम से दूर रहेंगे, क्यों कहा था? गजब बात करते हो। अधीर रंजन बोले इस 32 बात का कोई मतलब नहीं, बोले पवार गए, बोले कोई मतलब नहीं। अरे फिर मतलब किस बात का भाई? जवाब दे दूं? गजब बात करते हो यार, जवाब देने का मौका तो दीजिए, प्रश्न पूछते हैं। देखिए अमिताभ भाई, अरे अभी रुक जाइए, पहले उनको वो उत्तर दे दें जी। देखिए अमिताभ जी, नहीं आप दे, रत्नाकर जी, जी जी देखिए अमिताभ जी, अधीर रंजन चौधरी जी ने जो मजबूरी कहा है, वो मैंने आपको पहले ही कहा कि वो इंटरव्यू का एक कुछ सेकंड का हिस्सा है, पूरा इंटरव्यू दिखाएंगे तो लोग जनमानस के पटल पे ये संदेश जाएगा कि किस संदर्भ में उन्होंने कहा। ठीक, और अगर 26 दलों का अगर गठबंधन को मजबूरी नाम देंगे तो 38 दलों के गठबंधन को क्या नाम देना चाहिए, ये बता दीजिए, वो मजबूरी है क्या? ठीक रत्नाकर, अभी नहीं, अब जो प्रश्न था उस पर आप गोल कर गए और आपने गलत उत्तर दिया, खैर छोड़िए छोड़िए, ये आपकी आजादी है, आप जिस प्रश्न का उत्तर चाहे दें, जिसको चाहे छोड़ दें। मैंने पूछा था पवार के लिए, पवार वहां नहीं जाएं इसके लिए आघाड़ी ने ऑफिशियली अपील क्यों की थी शरद पवार से, ये मूल प्रश्न था, उसका नहीं दिया। दूसरी बात, कहा जा रहा है दीपक रंजन जी के भाई कुछ शब्द, कुछ छोटे से वाक्य को बाल की खाल, शायद आप ही ने कहा था, मैं आपको याद दिला दूं, भारत की अब तक की 75 साल की राजनीति में जो सबसे ऐतिहासिक वाक्य बने हैं वो छोटे ही थे, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, ये लंबी बात थी, ये आज तक जिंदा है। देवकांत बरुआ को मरे कितने साल हो गए, इंदिरा जी को दिवंगत हुए कितने साल हो गए, पता है आपको? डरो मत अभी मैं जिंदा हूं, ये कितना लंबा बात थी, जेपी आज तक जिंदा है वो वाक्य, क्या लंबी कहानी से बात बनेगी? नहीं, जो आप लोगों ने कहा कि नहीं छोटी सी बात थी, बहुत कम शब्दों में बोला, अरे भाई मजबूरी का गठबंधन, बात खत्म हो गई, इतना बोले ना, मुझे पता चर्चा हो रही मेरे भाई। और आज जरूरी, देखिए हमारे बड़े भाई आदरणीय हरीश श्रीवास्तव जी यहाँ पर उपस्थित है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जब इन्होंने ओम प्रकाश राजभर जी को अपने एनडीए का घटक बनाया, जिन्होंने इनको झटका देकर के इनको चले गए थे, और इनके देश के प्रधानमंत्री के लिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के लिए किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया, मैं आपके सम्मानित चैनल को उन शब्दों को मैं इस्तेमाल भी नहीं करना चाहता, तो उनको लेना साथ में एक बोनस में एक इनको विधायक जी भी मिले, तो उनको लेना, मैं हरीश भाई शब्द में इस बात का मैं जवाब चाहूंगा कि उनको लेना जरूरी है या मजबूरी है? हेमंत विश्व शर्मा जी को इन्होंने लिया था
मुख्यमंत्री बनाया, वो इनके लिए मजबूरी है या जरूरी है? अजीत पवार जी जिनके लिए 4 दिन पहले कहते तो क्या 70,000 करोड़ साथ में लेकर के आए, इसलिए वो मजबूरी बने या जरूरी बने? इसी तरीके से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको उन्होंने अपने साथ शामिल किया घटक दल में। अभी आपने कहा ना कि अकेले मोदी से, मोदी अगर अकेले हैं तो अभी 38 लोगों का गठबंधन इन्होंने क्यों कर रखा है? मोदी जी अकेले हैं, भारतीय जनता पार्टी दल है। और अभी बात बार बार आदरणीय अजीत पवार शरद पवार जी की हो रही है, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, देखिए इसका वाजिब जवाब आदरणीय शरद पवार जी दे सकते हैं, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं मोदी जी से उन्होंने कहा कि कहां इंडिया के चक्कर में पड़े हो, इंडिया का साथ दो, इंडिया अलायंस का साथ दो और सब लोग मिल करके जो है देश को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आपके पास का कुछ रहा नहीं। ठीक है, ठीक साल से आपने कुछ नहीं किया। दीपक रंजन आगे बात, ये अच्छा ह्यूमर हो सकता है, ठीक है आगे बात। मेरे मूल प्रश्न को दाएं बाएं करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, उस पर उत्तर होना चाहिए। अच्छी बात अच्छा उत्तर हो, अच्छा खारिज करना खारिज। मैंने प्रश्न ये नहीं पूछा, भाजपा ने अगर उनके अधीर रंजन के स्तर के किसी व्यक्ति ने ये कहा होता तो दीपक रंजन ने जो बातें कही वो सही होती कि हमने मजबूरी में हेमंता को लिया, मजबूरी में राजभर लिए, मजबूरी में फलान लिए ढिकान लिए, ऐसा वो तो बोले नहीं, इसलिए चर्चा नहीं हो। जो चर्चा ही में विषय नहीं उस पर आज मैं क्यों बहस करूं? मैंने सिर्फ अधीर रंजन के उस बात को उठाया कि ये मजबूरी का गठबंधन है, उत्तर उस पर है भैया। ओम प्रकाश राजभर के लिए कि भाजपा ने बोला क्या गठबंधन मजबूरी में है? बोला क्या ऐसा? बोला होता तो इनको भी कटघरे में खड़ा करता। आप पूछिए ना बड़े भाई की मजबूरी है कि जोर यहाँ पूछ लीजिए, हम तो पूछ इसलिए। ठीक ठीक रुक जाइए, मैंने एक उदाहरण दिया था, अखिलेश यादव और मायावती का अलायंस हुआ था, सबको पता है कैसा अलायंस था। अब रुक जाओ बाबू, सबको पता था कैसा अलायंस था, सबके मन में हजारों आशंकाएं थी, लेकिन जब तक गठबंधन रिजल्ट नहीं आया और रिजल्ट अनुप्रतिकूल रहा और जब तक गठबंधन टूटा नहीं, तब तक किसी ने यह नहीं कहा मजबूरी गठबंधन है। आज शादी हो रही है, शुभकामना देने के साथ कह रहे मजबूरी की शादी है। मैं इतनी सी बात कह रहा हूं, इसमें कौन सी लड़ाई है? इसमें कोई गलत बात तो नहीं कह दी? तो उतनी बात तो नहीं, सिंह अभी नहीं आएंगे। अभिषेक तिवारी जी, एक सेकंड रुक जाओ भाई। अभिषेक तिवारी जी, दिल्ली सेवा विधेयक कल लोकसभा में वोट हो जाएगा, उसके अगले दिन शायद, या उसके अगले दिन मान लीजिए इसी वीक में राज्यसभा में भी वोट हो जाएगा। ठीक, क्या स्थिति दिख रही है आपको आम आदमी पार्टी को उस पर? चूंकि वो विधेयक आपकी पार्टी के दिल्ली के संगठन के लिए, सरकार के लिए उससे महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं ना, इसीलिए शायद आपने शर्त भी रखी थी कि भाई कांग्रेस हमारे लिए ओपन सपोर्ट दे तभी हम इंडिया में रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। अमिताभ भाई, अभी जब मैंने बोला कि ये जो जो इस विधेयक के अगेंस्ट खड़ा है, जो जो दिल्ली का जो काला अध्यादेश लाया गया, जो जो इसके अगेंस्ट में खड़ा हो, भारत का, भारत को आगे बढ़ाने वाला है, राष्ट्र सेवा करने वाला है, जो इसके विरोध में है वो, जो इसके साथ खड़े हैं वो राष्ट्र विरोधी। मैं इसके पहले उसका कारण बता देता हूँ, उसके बाद आपके प्रश्नों का जवाब देता हूँ, मुझे 2-3 सेकंड दीजिए। जी जी भाई, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप भी और मैं भी हम दोनों भारत के संविधान में, भारत के लोकतंत्र में, भारत के संघीय ढांचे में विश्वास करने वाले लोग हैं, और जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सपना था, तो जो महात्मा गांधी जी का सपना था, उनको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। आज जो इसको कुचलने का प्रयास करेगा, जो इसकी हत्या करने का प्रयास करेगा, जो लोकतंत्र को तार तार करने का प्रयास करेगा, मेरे नजर में वो राष्ट्र विरोधी है, हिंदुस्तान विरोधी है, भारत विरोधी है। मेरे नजर में भारतीय जनता पार्टी जो काला अध्यादेश लाई है, ये पूरी तरीके से काला अध्यादेश है, लोकतंत्र को तार तार करने वाला, संविधान के पंगे ढांचे को बर्बाद करने वाला अध्यादेश लाया गया। दूसरी बात, जहां तक राज्यसभा की बात है, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जो ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा काला अध्यादेश देश के सर्वोच्च न्यायालय में जब ये आएगा, देश के राज्यसभा में जब लाएगा, तो मुझे पूर्ण उम्मीद है वहां पे ये गिरेगा और भारत की जीत होगी, हिंदुस्तान के लोकतंत्र की जीत होगी। इसके लिए तो हर एक लड़ाई हम लोग लड़ने के तैयार। आपकी उम्मीदों को मैं कतई प्रभावित नहीं करना चाहता, जब तक रिजल्ट ना आ जाए तब तक उम्मीदें जिंदा रहनी चाहिए। मैं सिर्फ एक विनम्र सवाल पूछ रहा था कि संसद तो गणित से चलेगी, ठीक, और गणित में मान लीजिए आपका ये विधेयक पास हो गया सरकार का, जिसको आप काला बता रहे हो और आदि आदि बता रहे हो, देन व्हाट नेक्स्ट?
फिर क्या होगा अभिषेक जी? नहीं नहीं, जब हो जाएगा ये, मैं कह रहा हूँ कि अभी हमें पूर्ण उम्मीद है कि ये राज्यसभा में गिरेगा, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान एक लामबंद है भारत। अरे हिंदुस्तान का 150 करोड़ लोग वोट देंगे क्या जाके? नहीं नहीं, जो उनके प्रतिनिधि वो वोट दे रहे हैं अमिताभ भाई, जो उनके प्रतिनिधि उनके वोट दे रहे हैं, उसके अगेंस्ट में खड़े हैं। मैं कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक बात कर रहा हूँ, और आज हमारे पास संख्या बल है, संख्या अंक गणित के आधार पे बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले केवल और केवल, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? आगे बात, 30 सेकंड दीजिए, मुझे 30 सेकंड दीजिए। ये आखिर अध्यादेश क्या है? ये अध्यादेश क्या है, इस पर मैं दो बार बहस कर चुका हूँ। सॉरी, अध्यादेश पर मैं दो बार बहस कर चुका। अध्यादेश बताने के नहीं, अब तो गणित का खेल है, अब अध्यादेश पर थोड़ी चर्चा करूंगा ना। अब नहीं, दो बार कर चुका चर्चा, अब नहीं। अध्यादेश क्या है पूरा इस पर चर्चा कर चुका दो बार, यानी 2 घंटे। अब अध्यादेश नहीं, अब तो वोट का टाइम आ गया भैया।